हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्रिकेट वैसे तो बैट और बॉल का खेल है, लेकिन कभी कभी बैट्समैन और बॉलर्स के बीच में भी अलग ही खेल चल रहा होता है। और काफी बार ऐसा होता है, प्लेयर दिखाना तो अपनी ठग लाइफ चाहता है पर वो बन जाती है हग लाइफ। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ मूवमेंट्स के बारे में जहाँ पर प्लेयर दिखना तो चाहते हैं कूल पर बन जाते हैं फूल। तो शुरू करते हैं वीडियो अपने सौरव गांगुली से। दादा और इंग्लैंड के बीच में कितनी मोहब्बत है ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। Full toss. They go for the single this time. A throw and a miss. They're going to get back for two. India are home. Lords goes wild. Zaya Khan punches the end. जहां हगने की बात हो और वहां पाकिस्तान ना हो, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? And the response from Amir Sohail is magnificent. He's down the track and really it's been a flat batted tennis shot. Over covers for four. He's a great competitor, Amir Sohail. And here you see him arguing with the bowler or telling him what he's doing. Well, that's the answer. ये सीन इंडिया और पाकिस्तान के मैच का अभी तक का सबसे बेस्ट सीन है। इसके लिए तो लाइक करना बनता है। ठग लाइफ की बात और अपने कोहली भाई की बात ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तो चली रही है, लेकिन आप सभी को पता होगा कुछ टाइम पहले तक ऑस्ट्रेलिया वाले काफी पंगा लेते थे, लेकिन कोहली भैया से पंगा लेना ऑस्ट्रेलिया को काफी महंगा पड़ा है। और इतना ही नहीं, ब्रैटली और जाहिर खान का सीन याद है या भूल गए? जब ली भैया ने अपने खान साहब को गुस्सा दिला दिया था। Good yorker. And nicely played in the end. And a bit of aggression. Oh, what a reply! What a reply! Stunning shot! हग लाइफ और यूवी पाजी और यूवी पाजी के छह छक्के, इस बारे में और क्या बोले, इसके बिना तो वीडियो अधूरी है। Exchange between Yuvraj and Flintoff. I wouldn't bother you, Yuvraj, if I was you. That's huge. Six ball. This isn't the. It doesn't. Five. Last ball of the innings. And he's put it away. Oh, has he? Yes. Into the bracket. Look at that. और किसी ने बिल्कुल सही कहा है, एमएस धोनी से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि एमएस धोनी ठग लाइफ के बॉस हैं। पर बांग्लादेश की टीम कहां किसी की सुनती है। The last ball or the last over. Look at that. That looked deliberate, isn't it? I think he just had a look at the batsman in terms of where he was running. Look at that. And you know that that's on the right way. I mean, he immediately knew that Rohit Sharma is still. तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।